हेलो नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज बात करते हैं बिहार दरोगा की प्रीवियस ईयर की, जो 15 अप्रैल 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। यह सेट 100 प्रश्न की है और हम लोग यह सेट आप लोग जानते हैं कि ज्ञानबिंदु पटना के जो हैं बहुत अच्छे से फेमस है, तो हम लोग आज वही ज्ञानबिंदु का सेट लेकर आए हैं, जो कि हम लोग कृपया आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हम बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप सबसे पहले उस पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से ज़रूर देखें। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले पहला मुसलमान कौन थे? भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में पूरा किया था और उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण कर चुके था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन 2 है, प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई थी और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और हम लोग इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि प्रदान किए थे। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गांधी जी का कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक भी हैं। उन्होंने पुस्तक लिखा था हिंद स्वराज और नवजीवन और यंग इंडिया, यह तीनों पुस्तक महात्मा गांधी की है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद गजनी ने सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिहालवार के शासक पर मोहम्मद ने आक्रमण किया और गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक हुआ था, ने किया था। वह गौड़ी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था, तो वह कौन था? नंबर ऑप्शन बी है हेनसोंग। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था।
भारत आया था। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इस भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है और इसमें हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के भारतीय संस्कार के बारे में वर्णित किया गया है। फैयान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्र टू के दरबार में आए थे। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस्तिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो दिल्ली चलो का नारा एस सी बोस ने दिए थे। तो यहाँ पे दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो वहाँ पे एस सी बोस दिया है। इसका शॉर्ट ही नाम होता है एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो कुछ नारे दिए गए हैं, वचन और नारे हैं यहाँ पे। नाम है कौन, किसने दिया था, किस व्यक्ति से दिया गया था। चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं इसको। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, यह दोनों नारा जवाहरलाल नेहरू की है। और करो या मरो हे राम भारत छोड़ो, यह तीनों नारा महात्मा गांधी की है। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह नारा लाला लाजपत राय की है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस की है। चलिए हम लोग चलते हैं 6ठे क्वेश्चन। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश से थे। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थे। अरुणा आशा पहली भारत स्वतंत्रता सेनानी थी। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश से यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन 7 में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो सी में है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थे। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट कोटस कहा, और जिसकी पहचान विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई थी, और अध्यक्षता साबाका में। शासनकाल कालाशोक के हुए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध बौद्ध गया में बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन है 8 में राज तरंगनी में कल्हन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है, तो नंबर डी कश्मीर के। राज तरंगनी एक पुस्तक है, इसका लेखक है कल्हन, और इस पुस्तक में कश्मीर के बारे में चर्चा किए गए हैं। तो राजतरंगी कल्हन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, और यह संस्कृत ग्रंथ है और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णन है जो महाभारत काल के से आरंभ होता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद था। कलिंग पूर्व भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत एक शक्तिशाली साम्राज्य था, और कौशल प्राचीन भारत के 16वें महाजन पदों में से एक था। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी कब? ऑप्शन नंबर बी 1526 में। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है और इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं राणा संगा के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मार्च 1529 ईस्वी को अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। तो यहाँ पे गुरु के बारे में, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। सिख के कुल 10 गुरु हुए, जो निम्न हैं। पहला गुरु गुरु नानक था, दूसरा गुरु अंगद था, तीसरा गुरु अमरदास था, चौथा में गुरु रामदास था, पांचवा गुरु अर्जुन देव था, छठा में गुरु हरगोविंद सिंह था, सातवां में गुरु हर राय था, सातवां में गुरु हरि किशन था, आठवां में गुरु तेग बहादुर था, सॉरी नवां में गुरु तेग बहादुर था, दसवां में गुरु गोविंद सिंह। चलिए हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कनिष्क राजा थे ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश के। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो उसी राजरोहण की तिथि है। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कोंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश के राज वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। मुंगेर बिहार में पड़ते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है कि अजमेर शरीफ। सूफी संत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर शरीफ पर मनाया जाता है, जो राजस्थान में है। और अजमेर हिंदू एवं मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक अबू अहमद अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती ने किया। उनका मुख्य केंद्र अजमेर था। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि प्रदान की थी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख कौतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और फतेहपुर सिकरी
एक नगर है जो कि मुगल सम्राट अकबर के सन 1571 ईस्वी में बसाया था। बिहार शरीफ भारत के बिहार राज्य में स्थित नगर है। बिहार शरीफ का पुराना नाम उदंतीपुरी जिसे उदंतपुरी भी कहा जाता है। आगरा, आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यूनानी नदी के यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। 1504 ईस्वी में आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था और शाहजहां ने आगरा उत्तर प्रदेश में ताजमहल का निर्माण किया था। क्वेश्चन 13 में चलते हैं। अशोक महान पुत्र थे। अशोक बिंबिसार के पुत्र थे। अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक की माता का नाम शुभद्रंगी था और शुभदाम दिव्य दान के अनुसार अशोक 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती उज्जैन का राज्यपाल था। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राही, क्रोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि को प्रयोग हुआ। ब्राही लिपि बाएं से दाएं तथा क्रोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्रोष्ट लिपि बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। अशोक के अभिलेख की उत्कीर्ण ब्राही लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने 1823 में पढ़ा था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथ के अनुसार में बैठा था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है जिसकी पहचान विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? तो गर्म पानी के स्रोत राजगृह में है। गर्म पानी के स्रोत राजगृह मगध की राजधानी में स्थित है और राजगीर में ब्रह्म कुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जल कुंड है जिसका जल का तापमान 87 डिग्री है। बिहार में प्रमुख उष्ण जलकुंड है राजगीर, नालंदा पड़ता है जो सूर्य कुंड और नानक कुंड और गौमुख कुंड और मन दुम कुंड, सप्तधारा वह कुंड। मुंगेर में चलते हैं जो कि कुछ हैं तो लक्ष्मण कुंड है मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड है जो 62 डिग्री सेल्सियस होता है। लक्ष्मीश्वर कुंड और जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, भीम कुंड, पंचतर कुंड, ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, भाराई कुंड। गया में है अग्निकुंड। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा
एवं शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मारुति देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकालीन था। यह भारत की प्रथम नगरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं की ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ है। सिंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधव सभ्यता में प्रचलित थी। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता होता है। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता एवं समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता होता है। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता होता है। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। धौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन है। सोम वन संपत्ति का देवता है। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवता। आश्वन विपत्तियों को हरने वाले। पूषण पशुओं का देवता हुआ। मरुत आंधी तूफानों का देवता है। चलिए क्वेश्चन 16 में, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी क्या थी? वैशाली। पुरानी लिच्छवी राज की राजधानी वैशाली थी। पाटलिपुत्र उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना। इसे गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया था। अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किए गया। गया 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल बोधि वृक्ष नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई। इसी दिन से वे तथागत हो गए और तथा बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन 17 में चलते हैं, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल। ऑप्शन नंबर सी 1902 से 1989 तक है। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 से 1979 ईस्वी तक था और लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियार नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उनके पिता का नाम हरसु दयाल तथा माता का नाम फूल रानी देवी थी और प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी और 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का देहांत हो गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें 1965 में मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच
हुई जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुई जिसमें हेमू की हार हुई। बालाजी राव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। चलिए क्वेश्चन 19 में चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। और पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति होती है, एक घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमा गति, परिक्रमण गति होता है। घूर्णन गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है, इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। इसे परिभ्रमण दैनिक गति भी कहा जाता है। इसके कारण दिन व रात की घटना होती है। परिक्रमण या वार्षिक गति, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एक उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। ग्रहों जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है, ऑप्शन नंबर बी बुध है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाते हैं। शुक्र यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह होता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसलिए इसे सांझ का तारा और सुबह का तारा कहा जाता है। सुबह मतलब भोर। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। इसका घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन लगते हैं। मंगल इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में से 87 दिन लगते हैं। बुध यह सूर्य की सबसे नज़दीक ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। अगर सूर्य की बात करें तो सबसे पहले सूर्य अपना भारत देश के अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलते हैं और सबसे अंत में गुजरात में। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं तक रहेगा और इसका जो क्वेश्चन बचा है हम लोग अगले नेक्स्ट दूसरा पार्ट लाएंगे, उसमें पूरा कर देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।